यस प्रवीण, आंचल, वंदना, now we are starting trans sustainable transport in which we just going to finish this in a fast because isme zyada nahi hai kuch bhi like its goal essential ingredients themes principle sustainable transportation performance indicator towards sustainable transportation in india actually aaj class lene ka do purpose bhi the basically लाइक नेक्स्ट वीक तो मैं क्लास लूंगी तुम्हारी सेकेंड थर्ड फोर्थ को और फिफ्थ सॉरी यस नवंबर में या नेक्स्ट वीक तो तुम्हारी पूरी क्लास होगी. उसके बाद मैं 9 से छुट्टी पर हूँ सीएल पे 9 से टिल 18. ठीक है, बीच बीच में कुछ हॉलीडेज भी हैं और कुछ मैंने छुट्टीज ले ली है. तो तुम्हारी जो वो वाला वीक है 9 9 2 14 वाला और उसके बाद वाला जो वीक है उसमें क्लास नहीं होगी. 20 के आसपास में 19 ऑफिशियली आई विल कम कॉलेज. तो उस दिन अगर लैब या कुछ लेना रहा तो मैं बताऊँ. तो नेक्स्ट वीक प्लीज सभी क्लासेस अटेंड करना. अगर मेरी कहीं एग्जाम वगैरह में ड्यूटी रही सो आई विल चेंज माई टाइम बट आई विल टेक क्लासेस क्योंकि अब दोनों में लास्ट लास्ट यूनिट बची है. तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा मतलब एटलीस्ट 60% अपन अभी कर लें और बाकी का अपन दिवाली के बाद. ठीक है, सो दैट इज अ थिंग. ओके बेटा, बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर देना. बाकी को वैसे जरूरत तो है नहीं, कोई ज्यादा आते नहीं है, बट तुम लोग फिर भी ये तुम्हारे ध्यान में रहे. ठीक है, तो नेक्स्ट वीक प्रॉपरली होगी. और तुम्हें लैब को लेके भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो थर्सडे वाली लैब में अपन प्रैक्टिकल तो अब कोई बचा नहीं है बट यू वी कैन डिस्कस योर इश्यूज एंड द प्रॉब्लम. ओके फाइन, और ओके नाउ वी आर कंटिन्यूइंग. Is it clear, Praveen, Achal, Vandana? Fine. Yes. Rana, ठीक है. 9 to 18. November. Means 19 November को तुम्हारी क्लास होगी. 19 November onwards. I will message you, but अभी ध्यान रखना तुम्हें. ठीक है, ओके. नाउ वी कंटिन्यू विद अवर कंटेंट. सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का बेसिक तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि बेसिकली इट प्रमोट्स अ बेसिक बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स एंड बेसिकली इट अलाउ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी टू मीट असेस नीड्स सेफली इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द ह्यूमन एंड इकोसिस्टम. और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हम किसे कहेंगे जो अफोर्डेबल भी हो, इफिशियंट भी हो एंड इट ऑफर्स चॉइसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड एंड नेचुरली इट लिमिट्स इमिशन वेस्ट विद इन द प्लैनेट्स एबिलिटी टू अब्सॉर्ब देम, मिनिमाइज कंजम्पशन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. ठीक है, गोल्स की जहां तक बात आती है इसमें you can write down what are the goals of transport, sustainable transport. That इसके थ्योरी लिखने के लिए नहीं लेकिन पॉइंट्स के लिए मैं जरूर तुम्हें सजेस्ट करूंगी. फर्स्ट इज अ ट्रांसपोर्ट सस्टेन सिस्टम डाइवर्सिटी सिस्टम इंटीग्रेशन अफोर्डेबिलिटी रिसोर्स मीन्स एनर्जी और द लैंड इफिशंसी इफिशियंट प्राइजिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन लैंड यूज असेसिबिलिटी लाइक स्मार्ट ग्रोथ एंड ऑपरेशनल इफिशंसी. ठीक है, क्या रहेगा बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम डाइवर्सिटी में, लाइक वी कैन चूज वेरियस मोड्स लोकेशन प्राइसिंग ऑप्शन. इंटीग्रेशन में लाइक पेडिस्ट्रियंस एंड साइकिलिंग एक्सेस टू ट्रांसमिट एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लैंड यूज प्लानिंग. पॉइंट्स लिख लो, चलो तुम व्हेन यू फिनिश प्लीज लेट मी नो.
तोड़ा है क्यों? उड़ाया नहीं, एक्चुअली उन्होंने सिस्टम उन्हें वापस फॉर्मेट कर दिया। दोनों चला के देखिए ना, दोनों चल जाए तो मुझे बता। ओके हैव यू फिनिश्ड बेटा? मेन ये पॉइंट्स लिख लो कभी क्वेश्चंस, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है और इसका एरिया इतना वास्ट है कि एटलीस्ट यू नो द पॉइंट्स, यू कैन राइट द थ्योरी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव प्लानिंग। नाउ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट गोल जो है, हम ये चीज तो कह रहे हैं इट इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। सो व्हाट इज इकोनॉमिक? दैट इज इफिशियंट मोबिलिटी, लोकल इकोनॉमिक, ये एज फार एज योर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू कंसर्न। ठीक है, तो इफिशियंट मोबिलिटी, लोकल इकोनॉमी, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल, सोशल इक्विटी, ह्यूमन सेफ्टी and health affordability, community cohesive and cultural preservation, that is going to be there. environmental ki jahan tak baat aati hai to air noise and water pollution reductions, climate change emissions, resource conservation, open space preservation, biodiversity protection, means if I am including sustainable transport in that, this three combination we are I am adding. So as far as environmental is concerned, so this pollution need to control, naturally the emission should be controlled, and resource conservation and open source space preservation is used to be, and community cohesiveness and cultural preservation is going to be. ठीक है, essential ingredients की हम बात करें, there are four essential ingredients. I just suggest you to write names. Comprehensive mobility plan for the city, compact city so that the NMT and PT friendly, interchanges with minimum time penalty, PT system to be city wise. What is this NMT and PT? I will just explain you. The PT system to be city wise, multi model and integrate. ठीक है, you just write down only name. सो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान फॉर सिटीज में यही है कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं, सो 20 कॉम्पोनेंट दैट कैन बी कैटेगराइज इनटू द थ्री ग्रुप लाइक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड सिटी। सो कॉम्प्रिहेंसिव सिटी मीन्स मोड्स ऑफ बसेस, पैरा ट्रांजिट, ऑटोस, टैक्सीज, एनएमटी, पर्सनल व्हीकल्स, बाइसाइकल्स, दैट यूज टू बी देयर, and related activities that include traffic management, enforcement training of drivers, licensing and transport demands, that is going to be there. Now as far as compact city is concerned, that is NMT for the short distance mode, full form I also need to see, and PT requires concentrated demands to remain financially viable. So both are the sustainable mode for the compact city, which will promote both, that is preferable in an urban sprawl. ठीक है, as far as city wide public transport system is concerned, so commuter needs to assured that we can complete his entire journey by PT. therefore PT system जो है that used to be city wide, it is often वरी ओवर द लास्ट माइल एंड ऑल, ये तुम थ्योरी तो तुम्हें मिल जाएगी, बट सिटी वाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कन्वीनियंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, एसेसिबल टू द पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट। इंटरचेंज हो गया। नाउ कम्स द थीम्स एंड द प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। सो देर आर थ्री थीम्स, आई जस्ट सजेस्ट यू टू राइट डाउन because sometime it could be. So transportation and common sustainability, principle mat likho but naam daloge to aa jayega. theek hai, so transportation and community sustainability mein jo principle hai, that is integrated transportation, protect environmental health, incorporate social objectives and support the economic development, support economic development is there. transportation system jo hai
पर्सपेक्टिव की बात हम करते हैं तो इट टेक अ स्ट्रेटजी अप्रोच, कंसिडर ऑल मोड्स, मैनेज ट्रांसपोर्टेशन डिमांड्स एंड मैनेज द ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई ऑल्सो. द प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस. द वे अहेड की अगर हम बात करें फ्यूचर कंसर्न, सो प्रोवाइड फाइनेंशियल गाइडेंस, मेजर परफॉर्मेंस, क्रिएट अ लिविंग प्लान विद द पब्लिक इन्वॉल्व. तो इसमें आई जस्ट सजेस्ट थीम एंड प्रिंसिपल में तीनों पॉइंट्स तुम ये लिख लो. ये भी लिखना चाहते हो तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन वील मूव फर्दर. मोजिला पे तो चल रहा है, आप आ जाना नहीं तो उसको भेज दो. ठीक है, ओके बेटा, हो गया, लिख लिया क्या? बेसिकली इसमें तुम्हें सिर्फ ये तीन नाम लिखनी, प्रिंसिपल तुम्हें नेट पे मिल जाएंगे. कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी की अगर बात होगी विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, सो एनवायरमेंटल हेल्थ, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीजें आएंगी. इफ सिस्टम परस्पेक्टिव की बात होगी तो स्ट्रेटजी अप्रोच, ऑल मोड्स, ट्रांसपोर्टेशन डिमांड्स, ये आएंगे. द वे अहेड की बात आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल गाइडेंस, लिविंग प्लान्स, ये सब आए विद पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल. ये उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाउ, ये थिंग मैं देख लेना. दैट्स इट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट इज, मैं चाह रही हूँ आज कन्वेंशनल तक तुम्हारा हो जाए, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास अपनी जो होगी दैट इज ऑन मंडे, उसमें अपन सोलार एनर्जी और वाइन फ्यूल सेल, वाइंड एनर्जी, इन सब की बात करें. इन सब में भी एक एक लेक्चर लगेगा क्योंकि इसकी डिटेलिंग्स हैं. आई विल ट्राई टू फिनिश अर्ली, बट थोड़ा है इसमें. ठीक है, सो सस्टेनेबल सिटीज हो गया आज हमारा, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हो गया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपन को डिस्कस करना है. सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी बेसिकली एनर्जी जो है क्या होती है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क. सो एनर्जी, इज इट क्लियर? क्लियर है तुम लोगों को? प्रवीण, शिवांगी, वंदना, आंचल, सस्टेनेबल सिटी और ट्रांसपोर्ट में कोई डाउट हो सो यू मे आस्क. ठीक है, नो मैम. सो अब कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, सो एनर्जी क्या है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम दैट परफॉर्म्स वर्क. We can say like heat, kinetic, mechanical energy, light, potential energy, electrical and other forms. So primary source of energy की अगर हम बात करते हैं, so that is an environment. It includes fuel like coal, oil, natural gas, uranium, biomass and all the primary sources जो कि fuels except biomass are non-renewable. ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस की जहां तक हम बात करते हैं, दैट इंक्लूड रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सनलाइट, विंड, मूविंग वाटर. अब बिफोर स्टार्टिंग विंड, सोलार एंड अदर जियोथर्मल एनर्जी,
First, we need to know what is conventional energy, what is non-conventional, what is the difference between them. Okay? So, energy is the capacity of a physical system that to perform work. Okay? As far as conventional energy is concerned, so the term conventional means what? अनयूजल और एक्सट्रीम और ऑर्डिनरी. कन्वेंशनल मतलब जो मतलब कई बार अपन रूटीन वर्क में भी कहते हैं ना, जैसे तुम करते हो कन्वेंशनली वैसे कर लो, कोई भी काम रहता है. सो कन्वेंशनल मीन्स अनयूजल और एक्सट्रीमली एक्सट्रीम और ऑर्डिनरी. सो बाय द सेम वे कन्वेंशनल एनर्जी क्या रहेगी तुम्हारी, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी ट्रेडिशनल सोर्सेज रहेंगे लाइक कोल पेट्रोलियम एंड दीज सोर्सेज आर फाइनाइट दैट विल नॉट लास्ट फॉर एवर. Like natural gases, coal, petroleum. So, jo bhi the energy which I get from conventional resources like natural gases, coal, petroleum, wo meri isme aayi. Okay, write down this, no? Okay. Definition and example. Completed, Vida? Yes, ma'am. और देर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन लाइक कैडेंस सॉफ्टवेयर हमने ले लिया है, उसका इंस्टॉलेशन शायद नेक्स्ट वीक होगा. तो उसमें VHDL और ये तुम्हारे स्कैमेटिक और लेआउट जो है ये भी होते हैं. सो प्रोबेबली लेट सी व्हेन द वेंडर विल कम. तो लैब जैसे वैसे तो पूरी हो चुकी है, फाइल तुम बना लो. जो चीज नई चीज मैं सिखाऊंगी दैट नीड नॉट टू एड, उसका भले ही सेम जो प्रोग्राम किए हैं उसी को रन अपन उस पर करके देखेंगे. तो प्रिंट आउट लगाना रहेगा, हैंड रिटन कुछ वर्क नहीं रहेगा. तो लैब वर्क तो तुम लोग कर लो 20 नवंबर तक और जमा करो. टाइमली जमा करने के मार्क्स हैं दैट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अश्योर. क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे असाइनमेंट भी कर रहे हैं ना, 25 तारीख है तो 30 को कर रहे हैं, 20 है तो 27 को कर रहे हैं. सो उसके सबकी मार्किंग है उसमें, तो टाइमली करो वो अच्छा है. तो कैडेंस का अगर हो गया तो वो मैं ज़रूर तुम्हें जब भी इंस्टॉल होता है उसका आने का 6 या कितनी तारीख का है अगर हो जाएगा तो प्रोबेबली मैं लीव से आने के बाद तुम्हें उस पर करके बताऊँगी. ठीक है. नॉन कन्वेंशनल की जहाँ तक बात आती है, सो दैट इज नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल ये होते हैं कि कोई चीज़ है वो दोबारा से यूज हो सकती है, तो वही है. नॉन कन्वेंशनल जो है वो नेचुरल नहीं रहते लेकिन वो रिन्यूएबल रहते हैं. दैट इज वाई दे आर प्रिफर्ड ऑल्सो. रिन्यूएबल मतलब एक बार उसको यूज करके अनदर किसी काम के लिए भी हम उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. दैट इज अ थिंग दैट इज ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड आई जस्ट सजेस्ट यू टू राइट दैट रिन्यूएबल एनर्जी इज नेचुरल एनर्जी विच डज नॉट हैव अ लिमिटेड सप्लाई एंड इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड विल नेवर रन आउट. ये कभी भी रन आउट नहीं होती है. एंड एनर्जी इट कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, वाइन, रेन, टाइड्स, जियोथर्मल हीट which are renewable. Renewable, it is alternative to fossil fuels and nuclear power and was commonly called as alternative energy. So, ye last wala to mat likho, but ye sare likhne hi hai. It does not have a limited supply. It can use again, again and never run out. And isme ye sare cheeze aati hai. Theek hai? Ye likho, fir iska thoda detailing mein tumhe batau.
कंप्लीटेड दिखिया होगा। चलो इसका एक्सप्लेनेशन जो है एक बार वॉइस मैसेज कर दिया करो ना। एनर्जी योग्य कैपेसिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म दिस कन्वेंशनल है, एक रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो रहते हैं अनयूजुअल एक्सट्रीमली, ये तो मैंने बता दिया। अब नेचुरल गैसेज की यदि हम बात कर रहे हैं, सो नेचुरल गैसेज में क्या रहेगा, दैट इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म like methane, before it's redefined, it contains the varying amount of ethane, propane, butane and all. So natural gases mein mainly naam kya aata hai, ek to methane ka aata hai. Coal ki jahan tak hum baat karte hain, that release a large amount of energy that is going to be burned because of the density of hydrocarbons in the material. And the coal that is going to be formed by dead plants that is being put under significant, so the pressure and the temperature for the millions of the years is going to be there, and there are four grades of the coal like lignite, subminiates and this coal. Third, petroleum air, that is the form that form the form of compression of animal and plants that remain over millions of the years. So petroleum is drilled for because it is usually located deep below the earth sources and it is going to be refined to produce a number of different products. Okay, conventional ke jo advantage hai, that proves the technology that the weather condition कोई सी भी हो, but solar or wind power जो रहते हैं that may go for the days without being able to produce the sustainable amount of power, and currently the financial cost jo hai that is also much lower, so that is positive point of this. Merit demerits you will get in it. Disadvantage ye hai ki petroleum gas coal that is non renewable, so this produce again and again usi cheez se nahi ho sakta, so they will be eventually run out. एक टाइम आता है जब वो रन आउट होने की भी उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। सो द एनर्जी सोर्सेज लाइक ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, ये कुछ इश्यूज इसमें रहते हैं। रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल जो है दैट इज द नेचुरल एनर्जी, इट डज नॉट हैव द लिमिटेड सप्लाई, इसकी कंटिन्यूस सप्लाई रहती है और इसको हम अगेन एंड अगेन हम प्रोड्यूस कर भी सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, अब जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, मैं इसीलिए चाह रही थी कि आज ये हो जाए, उसमें अब ये सब तुम्हारे सब टॉपिक्स स्टार्ट होंगे। प्लीज राइट डाउन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक बायोमास, हाइड्रो, जियोथर्मल, सोलार, टाइडल वेव, वाइंड, वुड, दीज ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जनरली हैज डिस्टिंक्ट एरियाज लाइक पावर जनरेशन, हॉट वाटर, space heating, transport fuels, rural energy and all that is going to be there. Please write on this note.
जल्दी लिखो बेटा। ओके अब ये मैं अभी डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगी, जस्ट एक एक लाइन मैं बस दिखा रही हूँ कौन कौन से। एक्चुअली अगर तुम्हें आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड ऑल, तब तुम्हें वाइंड, सोलार, बायोमास सबके बारे में लिखना रहेगा, इसलिए ये डिस्क्रिप्शन है। बट ये ऑलरेडी अपने सिलेबस में भी इस यूनिट में है, तो मैं वहां तुम्हें थॉरली डिस्कस करूंगी, इसलिए अभी तो हम एट अ ग्लांस इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो वाइंड पावर जो है दैट इज एयर फ्लो कैन बी यूज टू रन वाइंड टर्बाइंस, और इसकी जो रेंज रहती है वो 600 किलोवाट से 5 मेगावाट तक है, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ वेयर द वाइंड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंस्टेंट रहते हैं, सो दैट इज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। वाइंड एनर्जी, ठीक है, इसका हाइड्रो पावर्स जो है एनर्जी इन द वॉटर कैन बी हार्वेस्टेड एंड यूज, ये भी अपने को डिटेल में ये भी अपन करेंगे, हाइड्रो पावर जनरेशन कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, वो डैम्स वगैरह के पास इम्प्लांट रहते हैं, सोलार एनर्जी आजकल इसका ट्रेड भी हर जगह प्रेफरेबल है, एंड इन अवर होम ऑल्सो वी हैव सोलार एनर्जी इन्वर्टर सिस्टम एंड ऑल, सो सोलार पावर्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन रिलाइज ऑन द फोटोवोल्टिक एंड हीट एनर्जीज इंजन्स एंड द पार्शियल लिस्ट ऑफ अदर सोलार एप्लीकेशन दैट इंक्लूड स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग थ्रू द सोलार आर्किटेक्चर्स, दैट इज डे लाइटिंग, सोलार हॉट वाटर, सोलार कुकिंग, ये सब चल रहा है। बायोमास की जहाँ तक बात होती है दैट इज अ प्लांट मटीरियल दैट इज गोइंग टू बी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, that is because of it contains comes from the sun, ठीक है। biomass like sewage, municipal solid waste, animal residues, industrial residues, forestry crops, agriculture crops, कुछ भी है वो सब biomass resources में है, ठीक है। और biomass से हम अब क्या कोशिश कर रहे हैं, electricity produce करने की, ठीक है। कैसे होती है, क्या ये आगे है, मैं तुम्हें आई विल एक्सप्लेन। टाइडल एनर्जी इज अनदर काइंड ऑफ एनर्जी, विद इन 5 मिनट आई नीड बायोफ्यूल्स, जियोथर्मल एनर्जी, इसमें जो जो टॉपिक अपने हैं उसके अलावा भी अगर जो नहीं होगा डिटेल में तो वो मैं तुम्हें लास्ट में आई विल एक्सप्लेन। मेरिट चाहिए कि कंटिन्यूस अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस होते हैं, सो इट इज नेवर एंडिंग। एंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यस ऑफकोर्स ये मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, लाइक कॉमनली डिसएडवांटेज ऑफ ऑल इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी देयर काउंटर पार्ट, मीन्स वाइंड की जहां तक बात करें टर्माइंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वाइंड डज नॉट ब्लो ऑल द टाइम, हवा हर हमेशा चले ये भी नहीं होता, और इसकी टर्माइंस बहुत महंगे हैं। सोलार की बात करें तो पैनल्स आर एक्सपेंसिव, ओके वी आर कंजर्विंग एनर्जी, वी आर रिन्यूएबल making it renewable, but the sources which we are using that are very expensive. Waves ki baat kare to different technologies are being tried around the world. Barrage ki baat kare to river mouth and this is going to be there. Shipping is one also issue. Rivers like dams are expensive to build. Jaise hum wo baat kare na hydropower plants and iski, to wo dams ke paas hi hote hain. So in that case, it is very expensive to build and disrupt them. Biofuels. ये जरूर मैं कहूंगी, आई एम गिविंग यू स्क्रीनशॉट भी ले लो और 2 मिनट दे रही हूँ, मीनवाइल आई एम टेकिंग अटेंडेंस। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल इज नथिंग बट यूर नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रिन्यूएबल इज यूर कन्वेंशनल, ठीक है।
डिफरेंस लिख लो, कंटिन्यूस सप्लाई रहती है इसमें लिमिटेड है, डिपेंड्स विद द शॉर्ट पीरियड इट इज लॉन्गर टाइम कॉज पोल्यूशन एंड ये नॉन पॉल्यूटिंग रहता है, ठीक है। सो सी यू ऑन मंडे, ये कर लो तुम अटेंडेंस दो। आंचल आर यू देयर बेटा? यस मैम। प्रवीण, सिद्धार्थ, शिवांगी प्रेजेंट मैम। शिवांगी प्रेजेंट मैम। ओके okay, so that's it. Today we completed three topics: sustainable cities, sustainable transport, and the last one is kya tha? Conventional and non-conventional. ठीक है? Okay. मैंने leaves का भी बता दिया है, कब कब classes होंगी वो भी बता दिया। Classes तुम्हारे till last working day तक चलेंगी। But yes, of course, जब मैं छुट्टी पे हूँ, in that time I'm unable to take your classes. ओके सी यू। लैब फाइल कंप्लीट करो, असाइनमेंट वगैरह टाइम पे दो। ऑनलाइन में इन सबके ही मार्क्स है, लाइक ऑनलाइन जो कोर्स तुम अटेंड करते हो उसमें ऑनलाइन अटेंडेंस फीडबैक फॉर्म एंड क्विज के मार्क्स होते हैं उसी तरह से। ओके टेक केयर।